नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 000 और 111 नंबर का मीनिंग क्या होता है, आप जो ट्विन फ्लेम्स हैं अगर उन्हें नंबर नज़र आता है तो आपको क्या करना चाहिए, उसका मतलब क्या होता है। अब बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि आगे 222 या 333 या उसके आगे जो नंबर्स आते हैं उसका मतलब हम क्या समझें। तो अभी इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि 222 और 33 नंबर का या 333 का या 222 का क्या मीनिंग होता है। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक के बाद एक इस विषय में जानकारियाँ आपको देती रहूँगी। तो देखिए, 222 बैलेंस और हारमोनी का नंबर होता है। ये नंबर बैलेंस और हारमोनी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका ट्विन पार्टनर के साथ कुछ इशू चल रहा हो, उस समय पर बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, और आप सोचते हैं कि अब आगे हम दोनों के कनेक्शन में क्या होगा, आप डाउट में होते हैं, और उसी समय आपको दिखाई देता है नंबर 222। इसका मतलब ये समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है या आपको दिखाई दे रहा है, ट्विन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो उस समय में भी अगर आपको 222 दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपके ट्विन की सोल सामने से कैसा भी बर्ताव कर रही हो, लेकिन उसकी सोल आपसे कह रही है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, विश्वास रखो मेरा, आई लव यू। तो आपको विश्वास रखना होगा, आपके पार्टनर की सोल आपसे आई लव यू बोल रही है, इसका मीनिंग ये भी है। जो स्प्रिट वर्ल्ड में होता है, जो अर्थ से भी बियॉन्ड होता है, उसके ऊपर भी जो दुनिया है, फोर्थ रैलम में जाकर एक सोल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उन्हें ही हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। आप चाहे अपने ट्विन के साथ किसी बुरे फेस में जा रहे हों, किसी परेशानी में हैं, तो भी याद रखिए कि आप एक डिवाइन सोल हैं और आप इस दुनिया में अनकंडीशनल लव का प्रतीक हैं। आप इस अर्थ की सेवा करने आए हैं, दुनिया में अनकंडीशनल लव को जिंदा रखने के लिए आए हैं। ये अनकंडीशनल लव जो है, आपको इसे लेकर चलना है, तब आपको ये 222 नंबर दिखाई देता है। कि आपको जो ऊपर से दिखाई दे रहा है कि ट्विन से आपके झगड़े हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, वो सब तो माया जाल है, इल्यूशन है। जो अंतर आत्मा में है, आप दोनों एक ही हैं, इसलिए ये एक अनकंडीशनल लव है, सोल लव है, जो इस यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि बियॉन्ड के उस पार जो एक दुनिया है वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है। आप दोनों ट्विन के बीच में भी कोई प्रॉब्लम है, इस रिश्ते में कोई भी इश्यू है, कुछ भी आ जाए, लेकिन आपको ये विश्वास रखना है कि ये आपको तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये टूटने वाला रिश्ता होता ही नहीं। ये हमेशा याद रखिए कि कुछ भी हो, वो बाई चांस नहीं होता, सब तय किया हुआ है। सब कुछ होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, रीज़न होते हैं। अगर आप एक बैलेंस और हारमोनी बना कर रखते हैं, अपने अंदर बैलेंस बनाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। यानी आपको विश्वास रखना है कि आपका ट्विन आपका ही है और आपको सही समय आने पर डिवाइन की तरफ से ढेरों खुशियाँ मिलेंगी, उनका अपार आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये 222 नंबर दर्शाता है और ये भी बताता है कि हम जो भी अच्छे काम कर रहे हैं वो बिना रुके करते रहना है, ताकि हम जो भी चाहते हैं वो सब हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये जो मैनिफेस्टेशन हम कर रहे हैं वो रियलिटी में कब सामने आएगा। तो आपको अपने वाइब्रेशन को सबसे पहले देखना होगा, चेक करना होगा कि आप कौन से वाइब्रेशन में हैं। अभी आप इनर वर्क अगर कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन धीरे धीरे हाई हुई है, तो
आपकी वाइब्रेशन इस समय कहाँ पर है? अगर आप लो वाइब्रेशन में अभी तक जी रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपके जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी जो सोच रहे हैं, वो सच होने में कई कई साल लग जाएं, या हो सकता है कितने जन्म लग जाएं, और आप छोटी छोटी बातें मैनिफेस्ट करते रहें, मुझे ये सामान मिल जाए, मुझे चीज़ें मिल जाए, और वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूरी हो रही हैं, लेकिन आप जो सच में जहाँ जाना है वहाँ वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो आप छोटी छोटी बातें सोच रहे हैं। जब आपकी मैनिफेस्टेशन में डिज़ायर होनी चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए, आप पूरे विश्व के लिए बने हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए बने हैं, इस अर्थ के लिए बने हैं, आप इतना छोटा नहीं सोच सकते। तो सबसे पहले तो आपको अपने वाइब्रेशन को हाई लेवल पर ले जाना होगा, हाई करना होगा, और ये हो सकता है सिर्फ इनर वर्क से। इसके बाद आप जो भी पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे वो होगा। लेकिन जो 222 था उसका जो मैंने मीनिंग बताया कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपके ट्विन की सोल आपसे बोल रही है कि वो आपसे बहुत प्रेम करती है, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और आगे पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव ही सोचिए, और वही एक दिन आपके सामने सही टाइमिंग आने पर दिखाई देगा, आपके साथ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम 333 नंबर की तरफ। अगर आपको बार बार 333 नज़र आ रहा है तो उसका मतलब है कि मास्टर सोल का होना। ट्विन फ्लेम मास्टर सोल होते हैं, खुद से सोचते हैं कि आप इस ह्यूनिटी की हेल्प करेंगे। जब आपको 333 नंबर दिखाई देता है तो आपके अंदर बहुत सारे विचार बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप मास्टर सोल हो जाते हैं। आपको लगेगा कि आपको ह्यूनिटी के लिए, इस समाज के लिए, अर्थ के लिए कुछ करना चाहिए, ये विचार आपके अंदर आते हैं। और अभी जो कुछ हो रहा है वो इस दुनिया में आने से पहले ही आपने ये खुद ही चुना था कि जितनी भी मुश्किलें होंगी, डिफ़िकल्टीज होंगी, उसे आप एक्सपीरियंस करेंगे, जैसा कि ट्विन्स अपनी लाइफ में करते हैं। बचपन से परेशानियां मिलती हैं, आगे बढ़कर बहुत कुछ होते जाते हैं, वो इतने तरह के हर्ट उन्हें मिलते हैं जो और कोई नॉर्मल इंसान नहीं सह सकता। ये बहुत कठिन यात्रा होती है, और जब आपका ट्विन मिलता है तो फिर सेपरेशन आता है, फिर आपको बहुत कठिन वर्क करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ स्वयं घटित होती हैं, आपने खुद तय किया कि मैं स्वीकार करता हूँ कि ये दर्द मुझे मिले, जब तक ये दर्द जब मुझे मिलेगा तभी मैं उस दर्द सिचुएशन को फील कर पाऊँगा और लोगों को गाइड कर पाऊँगा कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपके अनुभव ही आपके काम आते हैं, आप उसे अपने एक्सपीरियंस को आगे ले जाते हैं। आप अपने ट्विन से मिलते हैं, सेपरेशन में चले जाते हैं, अवेकनिंग के पहले बहुत सारी सिचुएशन में आपने ये सारा कुछ स्वयं ही चुना था, और वो इसलिए था क्योंकि जब आप इस दर्द को महसूस करेंगे तभी दूसरों का दर्द भी समझेंगे, और हम सभी लोगों की मदद भी करेंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। अगर आपके अंदर ये डाउट है कि आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप अपने इशू या जो आपकी ज़िंदगी में गुजर रहा है या जो तकलीफ़ें हैं उससे डील कर सकते हैं, आपको ये लगता है कि जो आपका ट्विन पार्टनर है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, या आप और आपके ट्विन के बीच में इतना ज़्यादा एज का फ़र्क है, या आप ट्विन पार्टनर दोनों एक ही जेंडर के हैं, या आपका ट्विन अभी अवेकन नहीं है, वो कुछ समझना नहीं चाहता है, या आपका ट्विन मैरिड है या फिर आप मैरिड हैं, तो बीच में जो रुकावटें हैं उसे आप डील नहीं कर पा रहे हैं, आप असमंजस में रहेंगे। आपके ट्विन पार्टनर पता नहीं आपसे भाग रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, ये वो आपसे चीटिंग कर रहे हैं, या तो किसी और पर कहीं पर कुछ भी कर रहे हैं, या आपकी और उनके, आप दोनों से पहले बहुत सारे क्लोज रिलेशन रह चुके हैं, उनके भी और आपके भी। आप इस हालात पे हैं और उस समय में हैं जब आपको 333 नज़र आता है, जब इस सिचुएशन में आप होते हैं तो आपको 333 दिखाई देने लगता है, तब ये जानना चाहिए कि ये नंबर मास्टर सोल है, ये मास्टर सोल का नंबर है। और जब आप धीरे धीरे ये सब सहने के काबिल बन जाते हैं, डील करने के काबिल बन जाते हैं, तब आपको ये नंबर दिखाई देता है।
और ये नंबर आपको याद दिलाता है कि आप हो कौन और आप इस धरती पर क्यों आए थे और क्या करने आए थे। आप एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इन्फिनाइट सोल हैं, उसके अंदर ही वो सब कुछ है जिसने आपके ड्रीम्स को, आपके डिज़ायर्स को, सब चीज़ों को पूरा करने की क्षमता आप अपने हृदय के अंदर ही रखते हैं। बहुत बार होता है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन पता चलता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है, हो सकता है आपके फ्रेंड से क्लोज हो गया हो, उनके रिलेशन हो गए हो, या उससे शादी तय कर ली हो उसने, और आप बहुत हर्ट हो जाएंगे कि मैंने ये इतना इनर वर्क किया, सब कुछ किया और ये कैसे हो रहा है। ये इस समय पर इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप ये सब सहने के काबिल बन चुके हैं, अब आप ये दर्द सह सकते हैं, अब आप इस लायक हो गए हैं और अब आप खुद को हील करने में कैपेबल हैं। 333 नंबर ये याद दिलाता है कि आप अपने ट्विन के साथ घर घर खेलने यहाँ पर नहीं आए हैं, ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। आप अब इतने काबिल हैं कि अब आप अपने हर्ट और निगेटिव चीज़ों को डील करने के काबिल हैं। आपके ट्विन आपको हर्ट करके आपको उस काबिल बना रहे हैं, आपको मिरर कर रहे हैं कि आप इन सब बातों को डील करने के काबिल बन सकें और इससे आप अपने सारे पुराने हर्ट को भी हील कर सकें जो आपके बचपन से हुआ है। कोई चीज़ें होती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि आपको बचपन में कोई वैसा ही दर्द मिला होता है जो आपको इस समय में भी आकर उतना ही हर्ट या दर्द आपको मिलेगा। जब आप इस दर्द को हील करेंगे तो आपके बीते हुए, आपके अंदर सब कॉन्शियस माइंड में जितने हर्ट्स आपके अंदर बैठे हुए थे, वो सब भी धीरे धीरे हील हो जाएंगे। तो आपको लगता होगा कि आपका ट्विन पार्टनर बड़ा बुरा कर रहा है, लेकिन नहीं, वो आपको और बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको मास्टर सोल बनाने की तरफ ले जा रहा है और आप बन रहे हैं। कि अब आपको याद रखना कि आपके मास्टर सोल हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो चोटें हुई होती हैं, जो कहीं पर छुपी हुई थी, धुंधली हो गई थी, आप उसे हील करेंगे। मेडिटेशन से आप इनर वर्क से इस सब के काबिल बन जाते हैं। 333 का मतलब ये भी है तो आप कि आप बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। अच्छे इनर वर्क के बाद कुछ लोगों को लगने लग जाता है कि अब उन्हें ट्विन की या दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की अब आवश्यकता फील नहीं हो रही है और उन्हें डिवाइन से ही प्रेम हो गया। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, अब मुझे डिवाइन से इतना कनेक्शन हो गया है कि मुझे और बातें फील नहीं हो रही हैं, मैं इसमें ही अच्छा हूँ। अब आप अपने आप को ही कंप्लीट फील करना शुरू कर देते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो अच्छा इनर वर्क कर रहे होंगे और वो अपने को कंप्लीट फील करने लग जाएंगे। अगर आप भी कंप्लीट फील कर रहे हैं और इस दुनिया से, बाहर की दुनिया से आपका ज़्यादा मतलब नहीं रह गया, आप अपनी सोल की दुनिया में रहते हैं और अब आप कुछ ऐसा प्लान करने लगे हैं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके मन में आ रहा है जो दूसरे लोगों को स्पिरिचुअल हेल्प दे सके, आप और लोगों की हेल्प का कार्य करना चाहते हैं, तब आपको नंबर 333 दिखाई देता है। यानी कि अब आप मास्टर सोल हैं, आगे आप लोगों की हेल्प करना चाहेंगे। उस समय ये मतलब है कि अब आपके एंजल्स आपको और अधिक प्रोत्साहित कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। आप क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को लोगों को शेयर करेंगे और आप अपने पावर को और टैलेंट को यूज़ करेंगे दूसरों की हेल्प के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने में आप मददगार होंगे, रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि अब आप ये सब करने की क्षमता रखते हैं। आप दूसरों की भलाई कीजिए, आप अपनी पॉजिटिविटी शेयर कीजिए। आपको ये देखना होगा कि दूसरों को गाइड करने से पहले, लेकिन आप मास्टर सोल बन रहे हैं, 333 दिख रहा है, लेकिन आपको पहले ये चेक करना होगा कि आप सच में हाई वाइब्रेशन में हैं या नहीं हैं। मैं एक वाइब्रेशन चार्ट के विषय से आपको एक दिन अगले वीडियोज़ में समझाऊंगी कि आप अपना वाइब्रेशन कैसे चेक करेंगे कि आप किस वाइब्रेशन में हैं,
और जिन जिन वाइब्रेशन में जा रहे हैं तो आप किन चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं अपने अंदर से, उन बुराइयों को हटा रहे हैं, वो एक चार्ट के अनुसार मैं आपको समझाऊंगी आगे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को तभी गाइड कीजिए जब आप खुद हाई वाइब्रेशन में हों, ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें इनर वर्क से बहुत हेल्प मिलती है। आप हाई वाइब्रेशन, जैसा कि मैंने इनर वर्क के बारे में बताया था, आप ऐसा करते रहेंगे तो आप हाई वाइब्रेशन में जाते रहेंगे। और जैसा कि पहले मैंने बताया कि आपके बचपन में अगर कुछ आपके साथ बुरा हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, तो वही सेम चोट आपको अब दोबारा मिलेगी और आप उसको पूरी तरह से हील करेंगे, और उस हील करने के साथ साथ आपके अंदर की छुपी हुई सारी चोटें हील हो जाएंगी और आप इस समय थोड़ा कंप्लीट फील करेंगे अपने आप को। तो ये था 222 और 333 का मीनिंग, और जितना कुछ समझाया है चाहती हूँ कि आप उसे समझें, उस रास्ते पर आगे बढ़ें। अगर आप 333 नंबर पर आ गए हैं तो आपको, अगर आपको 333 नंबर दिखाई दे रहा है तो आप समझिए कि अब आप अपनी वाइब्रेशन को और बढ़ाएं। और जब तक आप लो वाइब्रेशन में होंगे तो ये नहीं होगा कि आपको 333 नज़र आएगा या आप काम करने लग जाएंगे, आप लोगों को टीच करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम इनर वर्क शुरू करते हैं तो कुछ दिन हम अपना इतना मन लगा देते हैं, इतनी मेहनत कर देते हैं कि हम ऊपर के वाइब्रेशन में पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें तब तक ये नहीं पता होता कि हमें अपना ऑरा कैसे लॉक करना है, हमें ध्यान कैसे रखना है, हमें और चीज़ें कैसे अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपनी एनर्जी कैसे बचानी है। कोई हमारी एनर्जी खींच तो नहीं लेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी हैं। कभी कभी हाई वाइब्रेशन में जाने के बाद भी हम थोड़े लो वाइब्रेशन में आ जाते हैं, तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम जहाँ तक पहुँचते हैं उससे नीचे ना आए। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, इनर वर्क करना होगा। तो दोस्तों, आपको शायद ये जानकारी मिली। अब इसके आगे मैं आऊँगी कि 44 नंबर का या 44 नंबर का क्या मीनिंग होता है, अगर वो आपको अब दिखाई देने लगा है तो। बहुत बार 33 नंबर दिखने के पहले ही लोगों को 44 नंबर दिखने लग जाता है, तो उसका एक अलग मीनिंग है, मैं अपने अगले वीडियो में वो बताऊँगी। और मेरा एक वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको बताऊँगी जिसमें मैं वाइब्रेशन चार्ट के विषय में बताऊँगी आपको, और आप पहचान सकेंगे कि आप किस वाइब्रेशन में हैं, अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसी के साथ ही, शायद अगर कोई पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहा है तो आप अभय ज्ञान प्रोडक्शन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है तो आप अपने ग्रुप्स में लोगों को शेयर कीजिए जिससे ये जानकारी उनके तक पहुँचे। मास्टर सोल तो ये काम करेंगे ही लोगों की हेल्प करने का, लेकिन आप अगर कोई नॉर्मल भी ये वीडियो देख रहा है तो आप शेयर कीजिए, ये एक अच्छा काम है, क्योंकि पता नहीं किसी को ज़रूरत है और उसके तक ये चीज़ें पहुँचें आपके माध्यम से। और आप अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। ये सिर्फ ट्विन सोल्स के लिए ही नहीं है, ये आम इंसानों के लिए भी है कि आपको दुनिया में अच्छे वर्क करने चाहिए, और इनर वर्क हर किसी को करना चाहिए। हर किसी को अपने आप से प्रेम करना चाहिए, हर किसी को व्यायाम करना चाहिए, चक्रास करने चाहिए, मेडिटेशन करने चाहिए, क्योंकि जितना जितना दुनिया आगे बढ़ रही है उतना उतना मेंटल प्रॉब्लम्स, मानसिक विकार बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोगों से कहूँगी कि अगर कोई किसी परेशानियों में है, आपको कोई मानसिक विकार है, कोई टेंशन है, परेशानी है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है हीलिंग मेडिटेशन का, मैंने डाला है, आप लोग जाएँ उसे सेव करें, और अगर आप डेली करेंगे तो आपका अनुभव बहुत अच्छा होगा, आप हील होंगे, फिर आप मेरे इनबॉक्स में आकर मुझे बता भी सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल के साथ साथ मेरी सोशल वर्क संस्था है अभय ज्ञान प्रोडक्शन, अभय ज्ञान साहित्य एवं कला व सेवा संस्थान। जैसे कि मैं आप लोगों की अभी तो फ्री सेवा करती हूँ, कुछ लोगों के कॉल आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, कुछ फीस देना चाहते हैं, जो कम दे सकते हैं वो कम देते हैं। और अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं अपनी तरफ से मेरी संस्था को, हम सोशल वर्क का काम करते हैं, तो आप ज़रूर कीजिएगा, जिससे लोगों को हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ हैं
इसी के साथ ही अगले वीडियो के लिए आप प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, आपको जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ और आप सभी से कहूँगी कि आप सब एक साथ बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की जय हो।